आपके आसपास आप लोगों ने सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर सड़कें काले नहीं नीले रंग की हैं। वो देश है कतर, जहां की राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। उसके पीछे का कारण है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म देश है जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहां पर 50% तक सन के रेडिएशन को कम किया जा सकता है। देखो, चाहे लॉजिक जो भी हो, नीले रंग की सड़कें फैसिनेटिंग तो जरूर है। क्या आप लोग भी अपने आसपास सड़कें नीले रंग की देखना चाहते हैं? और अगर हाँ तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी फास्ट फूड की शॉप है जिसका नाम है जोनी हॉट डॉग, और वो आपको देसी स्टाइल में, जी हाँ आपने ठीक सुना, देसी स्टाइल में हॉट डॉग परोसती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक पाव, उसमें हरी और लाल चटनी, और उसके बाद उसमें आलू की टिक्की। मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन सवाल यह है कि मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं विजय सिंह राठौड़ की मेहनत के लिए, जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद इस फूड आइटम को पूरे एशिया में 2019 में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए फास्ट फूड आइटम में शामिल करवा दिया, और इसी के लिए उन्हें हांगकांग में बुलाकर सम्मानित भी किया गया। तो विजय सिंह राठौड़ और जोनी हॉटडॉग के लिए एक लाइक तो बनता है। मुंबई का धारावी इलाका, जहां के लोगों के लिए अक्सर लोग बात क्या करते हैं कि वहां के लोगों को ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, कुछ स्टाइल नहीं होती। अगर उस इलाके से निकल के एक लड़का अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपनी हेयर स्टाइल के बलबूते पे लोगों को इंप्रेस करके इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन फॉलोवर्स कर ले, तो उस बंदे के लिए एक बार बात करना तो बनता है। बंदे का नाम है समीर मार्क, जिसने 2016 में मात्र 2000 रुपए के सेकेंड हैंड फोन से अपनी पिक्स को खींचना शुरू किया और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू किया। अपने नाम के पीछे मार्क इसलिए लगाया क्योंकि वो बंदा चाहता था कि एक दिन वो अपनी हेयर स्टाइल और अपनी ड्रेसिंग सेंस का मार्क दुनिया पे छोड़े, और उसने वो करके दिखा दिया। तो उस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। आज अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए तो हम लोग तुरंत बैंडेड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंडेड के इन्वेंशन से पहले यह काम कैसे होता था? मैं आपको बताता हूं। पुराने जमाने में खून के थक्के को जमाने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल होता था। जी हां गाइस, क्योंकि मकड़ी के जाले में विटामिन के होता है, तो वो खून के थक्के को जमाने में मदद करती है। क्या आपको इसके पहले से ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छुट्टी नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम युकेल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला, उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया, और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपनी वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे, और ये होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग, ये आपको पता था या नहीं पता था चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय एएम या फिर पीएम में बताएंगे। पर सवाल यह है कि एएम और पीएम का मतलब आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग एएम, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग पीएम में बताते हैं। अब एएम का मतलब होता है एंटी मरीडियन यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद।
अब ये भूलिएगा मत। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।